नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरखी मनाई जा रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में पशुपति कुमार पारस दिखाई दे रहे हैं जो कि बरखी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरखी जो है वो मनाई जा रही है। कार्यकर्ता जो हैं, जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों से जुड़े रहे हैं, वो भी काफ़ी संख्या में पहुंचे हैं। साथ ही साथ सुजभान सिंह भी पहुंचे हैं, जो बरखी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बनाई जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पहुंच चुके हैं, सुरजभान सिंह पहुंच चुके हैं जो कि पशुपति कुमार पारस लोजपा गुट के नेता हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान ये कहते नज़र आ रहे थे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरखी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जो परिवार में मतभेद चल रहा है वो खत्म होगा, तो उसकी शुरुआत जो है वो चाचा पशुपति कुमार पारस ने कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पशुपति कुमार पारस पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ सुरजभान सिंह भी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अंदर जो है वो बरखी का जो प्रक्रिया है, जो पूजा पाठ है, वो चल रहा है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस के साथ साथ सुरजभान सिंह पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस पहुंच चुके हैं, और तमाम जो सवाल उठ रहे थे उन तमाम सवालों पर अब अंकुश लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि नाराज़गी जो है वो बढ़ चुकी है, और उस नाराज़गी के बीच में क्या पशुपति कुमार पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरखी का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। मगर अब उन तमाम सवालों पर अंकुश लग चुका है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई बार कहा है कि जो बरखी कार्यक्रम है, जो बरखी बनाया जाएगा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उसमें ये आशा है कि जो पारिवारिक मतभेद चल रहा है वो भी खत्म होगा, और चाचा पशुपति कुमार पारस जो हैं वो ज़रूर पहुंचेंगे। और यही हुआ भी, आज पशुपति कुमार पारस जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ सुरजभान सिंह जो कि साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, भले ही अभी चिराग पासवान गुट और पशुपति कुमार पारस गुट भले ही लोजपा दो गुटों में बैठ चुका है, मगर अगर हम सुरजभान सिंह की बात करें तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस हमेशा से कहते रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं से वो आगे बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं आज बरखी का जो कार्यक्रम है, जो बरखी बनाया जा रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उसमें पशुपति कुमार पारस पहुंच चुके हैं, और तमाम सवालों पर अब अंकुश लग चुका है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।